Hey foodies, welcome back to our channel Tasty Attack. Friends, आज हम बनाने जा रहे हैं लेफ्ट ओवर राइट से टिक्की और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक बर्गर। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टिक्की। उसके लिए मैंने यहाँ पे दो बॉयल आलू यूज करे हैं और उसी के साथ हम मैंने यहाँ पे थोड़े से रात के बचे हुए चावल यूज करे। अब हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, अगर नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। उसी के साथ 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला और थोड़े से प्याज, ये छोटी प्याज चॉप करके ऐड किया मैंने। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। उसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी ताकि हमारा डो अच्छा सा बन जाए। और अब हमें इसे गूंथना है अपने हाथों से और एक डो की फॉर्म देके अब हमें इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के इसकी टिक्की बनानी है। इस तरीके से हम प्रेस करते हुए टिक्की बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली टिक्कीज बनाते हैं। और बस तैयार है मेरी एक टिक्की और बाकी टिक्की भी मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसे सेलो फ्राई करेंगे, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं पर सेलो फ्राई करने से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है और अब मैं इसे सेक रही हूँ एक एक करके और थोड़ा सा ऑयल मैं ऊपर से भी डाल रही हूँ और वन बाय वन करके आप इसे फ्लिप करते जाएँ ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो बस हमारी टिक्कियाँ बनने ही वाली हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे नॉर्मल चाट की तरह या सैंडविच बना के भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगती हैं। तो देखिए बस तैयार है हमारी टिक्की, कितनी क्रिस्पी लग रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने बर्गर बन लिए, उनको हल्का हल्का रोस्ट किया, उसके बाद मैं इस पर हरी चटनी लगा रही हूँ और उसी के साथ वो राइस वाली टिक्की जो हमने बनाई थी। अब एक अनियन, एक टमाटो, एक कुकुम्बर और मेयोनेज़ सबको अच्छे से लगाने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और ब्लैक सॉल्ट। और अब मैं इस पर टमाटो केचप लगा रही हूँ और अब मैंने दूसरे बन से इसे कवर कर दिया है और टूथपिक से इसे सील कर दिया है। तो रेडी है हमारा बहुत ही झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट राइस टिक्की बर्गर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।